अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बनाएंगे फूल गोभी। इसे बनाना बहुत आसान है, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले डालेंगे हम ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। इसे हीट होने देते हैं। इसके बाद डालेंगे एक प्याज, एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने कट किया है, तो इसे थोड़ा सॉटे कर लेते हैं। से ज़्यादा रेड कलर भी नहीं आने देना है, 2 मिनट के लिए। तब तक के लिए थोड़ी नरम नहीं हो जाती, तब तक इसे सॉटे करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 टमाटर कटे हुए, 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरह से काट के डालें और टमाटर को थोड़ा नरम होने दें। और उसके बाद डालें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर 1 फुल टेबलस्पून। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे मिक्स करने के बाद डालें इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। देखिए धनिया पाउडर, तो चलिए इसे भी अच्छे से होने देते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। तो थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ा टमाटर को गलने देते हैं और टमाटर के गलते ही इसमें हम डालेंगे फूल गोभी। एक बिग साइज़ का फूल गोभी था ये। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो उसके बाद डालेंगे हम थोड़े से करी पत्ते और एक मैजिक मसाला पैकेट। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे ढककर बनाएं। 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर बनाना है इसे। बीच बीच में हिलाते रहें और फिर ढककर बनाते रहें। तो देखिए इस तरह से अच्छे से इसे गलने दें। ये रोटी और राइस में बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।